हेलो, राम राम जी सभी को। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। मैं उषा सिंह रोहा आप सभी का राम राम करती हूँ। ये है मेरे लड्डू गोपाल जी। देखो, ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। कितने प्यारे मेरे लड्डू गोपाल जी। मैं लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाया है, अभी अभी भोग लगाया। ये देखो लड्डू गोपाल जी का दूध, ये रोटी, ये दाल। ये मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। लड्डू गोपाल जी मेरे 5 नंबर के हैं। देखो जी, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पे लाई थी। अब की जन्माष्टमी पे 1 साल हो जाएगा मेरे लड्डू गोपाल जी को। ये जैसा इनका मुकुट कितना अच्छा लगता है, ये लड्डू गोपाल जी के लिए है मोर पंख। और ये देखो हमारे गणपति जी, एक लड्डू गोपाल जी ये हैं हमारे पास। ये भी बहुत क्यूट हैं, छोटे से लड्डू जी हैं ये हमारे। कितने प्यारे हैं ये। बीच में हमारी माता रानी माधवन भोरी वाली। और ये देखो हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी हैं ये। कितने प्यारे लगते हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी का तो क्या कहना, बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारे हैं। आप सबके घर में भी बताइए मुझे कमेंट में, किस किस के घर में लड्डू गोपाल जी हैं और कितने नंबर के हैं। आप अपने लड्डू गोपाल जी को क्या क्या खिलाते हो। कहते हैं लड्डू गोपाल जी को कभी भी प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगता। मैं तो कभी भी नहीं खाती हूँ, लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता, आप भी मत लगाना। हमने अपनी छत पे पौधे लगाए हुए हैं, छोटे छोटे गेंदे के, गुलाब के, कलंचू के, सदाबहार के। उन से तोड़ के मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ताजे ताजे फूल चढ़ाती हूँ हर रोज। हमारे लड्डू गोपाल जी भी खुश रहते हैं। सुबह उठ के पहले नहाती हूँ, फिर लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ शयन कक्ष से, जहाँ मैं इनको आराम कराती हूँ, यहाँ इनके बेड पे। ये देखो ये कितने प्यारे हैं लड्डू जी हमारे। ये बांसुरी दी हुई है लड्डू जी को, ये रही इनकी बांसुरी, ये माला, ये मुकुट। और एक ये देखो इनका मुकुट कितना प्यारा, मेरे लड्डू जी का मुकुट बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा है। मेरे लड्डू जी सुबह सुबह लड्डू गोपाल के दर्शन हो जाते हैं तो बहुत मजा आता है, दिन अच्छा जाता है। और ये लड्डू गोपाल जी जिस दिन से घर में आए हैं सारे काम ठीक हो रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं अपने लड्डू गोपाल जी। आप बताइए कि आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं। और मेरे पास दो तो लड्डू गोपाल जी हैं, एक ये हैं और एक ये रहे। ये दो लड्डू गोपाल जी हैं मेरे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम मस्त, बहुत प्यारे। जब तक मैं लड्डू गोपाल जी के सुबह उठ के दर्शन नहीं कर लेती तो मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। जब इनके दर्शन हो जाते हैं सुबह उठ को, इनके शयन कक्ष से उठाती हूँ, फिर लड्डू जी को नहलाती हूँ मैं। नहलाने के बाद फिर खाना बनाती हूँ। खाने में फिर इनको बना के ताज़ा ताज़ा खाना खिलाती हूँ, गर्मा गर्म। कभी दही के साथ, सब्जी के साथ, तो कभी मिठाई आ जाती तो लड्डू गोपाल जी को मिठाई भी खिला देती हूँ। फल फ्रूट आ जाते हैं, जैसे कभी केला, सेब, और अब तो खिन्नू चले हुए हैं, खिन्नू भी खिला देती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को, ताकि लड्डू गोपाल जी खुश हो जाएं हमारे। और हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत खुश रहते हैं। आप सब भी लड्डू गोपाल जी को लाइए, सारे संकट घर के दूर हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है लड्डू गोपाल की, जिस पे जितनी भी सेवा होती है उतने ही करो, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के भगवान जी के दिए हुए दिन हैं हम सब के, इन्हीं के भेजे हुए दुनिया में आ रहे हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से बहुत ही आनंद आता है, मुझे तो बहुत आता है, आपका पता नहीं मुझे कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, जैसी भी मुझसे बन पाती है। दो दो लड्डू गोपाल जी, एक ये रहे और ये इधर वाले, मैं दोनों को नहलाती हूँ। ये देखो मैंने गेंदे जो चढ़ा रखे हुए हैं यहाँ पे, ये मैंने अपनी छत से ही तोड़ के लाई थी मैं ताजे ताजे, और वही मैंने इनको चढ़ाए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह फूल
तोड़ के लाना और अपने लड्डू जी को चढ़ाना। बहुत अच्छा लगता है मुझे लड्डू जी को फूल चढ़ाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बताइए मुझे कमेंट में आपको हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे। शुक्रिया जी, राम राम जी। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आपके सभी कष्ट हरे। जय हो लड्डू गोपाल जी की।